हाय स्टूडेंट, कैसे हैं? इससे पहले वीडियो में हमने आपका इम्पोर्टेंट पहले बॉयलर एसेसरीज तथा माउंटिंग के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद नेक्स्ट उसके अलावा हमने एक टाइप का बॉयलर आपका फायर ट्यूब टाइप का बॉयलर के बारे में डिस्कस किया, जिसका नाम था आपका कॉकरेन बॉयलर। तो आपके जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी बॉयलर का जो प्रकार है, बॉयलर को प्रकार को थोड़ा डिफरेंट तरीके से बताया है। जैसे उन्होंने क्या किया है कि जो इम्पोर्टेंट बॉयलर हैं उनके जो भी स्पेसिफिक गुण हैं उनके आधार पर उसको अलग करके बताया है। जैसे आपके बुक में जैसे आपका जिससे पहले भी हमने जब क्लासिफिकेशन आप बॉयलर के बारे में बताया था, तो उसमें आपने देखा था कि हमने कई बेसिस के आधार पे हमने उसके क्लासिफिकेशन किया था। तो वहाँ पर आपने देखा था कि जो भी आपका क्लासिफिकेशन था वो आपके फ्लो जो भी फ्लो के आधार पे था। तो उसमें हमने देखा था एक वाटर ट्यूब बॉयलर था, एक आपका फायर ट्यूब बॉयलर था। तो वाटर ट्यूब बॉयलर में होता वे बॉयलर आते हैं जिनमें ट्यूब में वाटर का प्रवाह होता तथा सराउंडिंग में फ्लू गैसेस के प्रवाह होती है, जबकि फायर ट्यूब बॉयलर में वे बॉयलर उसके अंतर्गत आते हैं जिनमें आपका जो भी ट्यूब में आपका फ्लू गैस प्रवाहित होती है तथा सराउंडिंग में वाटर प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार का था, ये रहा आपका वो चीज़। इसके अलावा उसी के आधार पे उसके अंतर्गत हमने जो पहला आपका बॉयलर जो डिस्कस किया था जो कॉकरेन बॉयलर था, तो कॉकरेन बॉयलर आपका फायर ट्यूब बॉयलर था। उसमें आपने देखा था कि जो भी ट्यूब होती हैं ट्यूब में फ्लू गैसेस प्रवाहित करते हैं तथा सराउंडिंग में जो आपकी वाटर प्रवाहित होता है। ठीक है, उसी प्रकार ये आपका जो दूसरा बॉयलर है इसमें आपका ये आपका वाटर ट्यूब बॉयलर है, इसके अंतर्गत जो भी आपका वाटर ट्यूब बॉयलर है इसमें ट्यूब में आपका पानी प्रवाहित की जाती है तथा ट्यूब के चारों तरफ आपका फ्लू गैसेस उसके सराउंडिंग में फ्लू गैसेस प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, इसमें जो पहला बॉयलर है वो है आपका बैकॉक एंड विलकॉक बॉयलर। तो बैकॉक और विलकॉक बॉयलर के बारे में डिस्कस करते हैं, तो उसका ये इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्न है, तो उसके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे जो बैकॉक या विलकॉक बॉयलर है वो इट इज़ ए हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नली फायर्ड वाटर ट्यूब एक नेचुरल सर्कुलेशन टाइप स्टेशनरी बॉयलर। हॉरिजॉन्टल का मीनिंग है इसकी जो बॉयलर सेल होती हैं वो आपकी हॉरिजॉन्टली होती हैं। इससे पहले में आपका जो बॉयलर सेल था वो वर्टिकली था, लेकिन ये आपका जो बैकॉक और विलकॉक बॉयलर है इसमें जो बॉयलर सेल होती है वो आपकी हॉरिजॉन्टली होती है। एक्सटर्नली फायर्ड का मीनिंग होता है जो आपका फर्नेस है वो बाहर है, वो आपका क्या कहते हैं बॉयलर सेल बॉयलर के साथ नहीं लगा रहता है, वो बाहर वो होता है। इससे पहले जो जो कॉकरेन बॉयलर था उसमें आपका इंटरनली फायर था, जो भी उसका बॉयलर जो फर्नेस था वो बॉयलर के अंदर ही था। ठीक है, दूसरा लिखा है वाटर ट्यूब। वाटर ट्यूब के बारे में भी डिस्कस किया। वाटर ट्यूब का मीनिंग ये है कि जो इसमें जो वाटर ट्यूब होती हैं ट्यूब में आपकी पानी प्रवाहित होता है तथा सराउंडिंग में फ्लू गैसेस प्रवाहित की जाती हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जो इसमें पानी का जो सर्कुलेशन है चाहे स्टीम का जो पानी का सर्कुलेशन है वो आपका नेचुरली होता है, किसी पंप की सहायता से हम पानी का प्रवाह नहीं करते हैं। दूसरा है स्टेशनरी बॉयलर, ये आपका स्टेशनरी बॉयलर है। ठीक है, स्थिर बॉयलर है। इसके अलावा इसकी मेन कुछ कंपोनेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कंपोनेंट के बारे में देखते हैं, पहला है आपका इसमें वेल्डेड स्टील ड्रम, जो उसकी ड्रम होती है वो स्टील की होती है, उसके सिरों को हम वेल्डेड किया जाता है। तो जो इसका जो ड्रम है वो पूरी तरह से वेल्डेड होती है। दूसरा
उसमें है अप टेक तथा डाउन टेक हेडर होते हैं। तो स्टीम को प्रवाहित करने के लिए, पानी के प्रवाह तथा स्टीम प्रवाहित करने के लिए हम अपटेक तथा डाउनटेक हेडर का उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो वाटर ट्यूब इंक्लाइन, जो ये वाटर ट्यूब होती हैं, ये आपका 15 डिग्री कोण पर झुका होता है। तो जो वाटर ट्यूब होती हैं, ठीक है, जो वाटर ट्यूब होती हैं वो 15 डिग्री एंगल पर आपका झुका होता है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो आपका फर्नेस है वो एक्सटर्नली फायर्ड फर्नेस होता है। इससे पहले भी बताया, जो इसका जो फर्नेस होता है वो आपका एक्सटर्नली बाहर की तरफ होता है। इसके अलावा इसकी माउंटिंग तथा एक्सेसरीज हैं, आप एक एक करके उसके देख सकते हैं। चलिए इसके आपके कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद इसके वर्किंग के बारे में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। पहले देखिए, सर्वप्रथम इसमें आपका जो ऊपर वाला आप देख सकते हैं, ये सिलेंडर शेप का एक आपका बॉयलर सेल है, ये आपका बॉयलर सेल है। इसमें हम, ये आपका बॉयलर सेल है, इसमें हम इसमें आपका 2/3 हिस्सा पानी भरा रहता है, ठीक है। इसके बाद ये आपका नीचे वाला भाग, ये पूरी तरह से आपका फर्नेस के अंतर्गत आता है, आप जानते हैं। ये आपकी वाटर ट्यूब होती हैं, वाटर ट्यूब को हम क्या करते हैं, अपटेक हेडर तथा डाउन टेक हेडर से उसको जोड़ा जाता है। तथा ये आपके बफल होते हैं, जो क्या है, जो फर्नेस से निकलने वाली फ्लू गैसेस इसमें आपस में ज़्यादा से ज़्यादा टकराव घुमाव उत्पन्न कर सकें, ठीक है। इसके अलावा ये आपका डाउन टेक हेडर है, मतलब अपटेक हेडर है। इसके अलावा ये आपका ऊपर वाले हिस्से में आप देखें, तो ये आपका स्टॉप वाल्व है। स्टॉप वाल्व का मीनिंग बताया था, ये आपके स्टीम के प्रवाह को कंट्रोलिंग करने का काम करता है, ठीक है। स्टॉप वाल्व का वही काम है कि स्टीम की मात्रा को कम या ज़्यादा करना, रेगुलेट करना, स्टीम को रेगुलेट करने का कार्य करता है स्टॉप वाल्व। इसके बगल में सेफ्टी वाल्व है, सेफ्टी वाल्व भी ये आपका बॉयलर की माउंटिंग होती हैं। सेफ्टी वाल्व का कार्य, बॉयलर में अगर प्रेशर की मात्रा या किसी अन्य कारण क्या हुआ, दाब या ताप बढ़ा, तो हम सेफ्टी वाल्व को खोलकर उसके ताप या दाब को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। इसके अलावा प्रेशर गेज है, प्रेशर गेज का कार्य है कि इसमें जो भी आपका बॉयलर सेल है, बॉयलर सेल में आपकी प्रेशर की मात्रा को वो आपका कंसिडर करता रहता है। वाटर लेवल इंडिकेटर है, वाटर लेवल इंडिकेटर का कार्य बॉयलर सेल में उपस्थित जल की मात्रा को बताना है कि जल की मात्रा आपके बॉयलर सेल में कितनी है। इसके अलावा आपका यहाँ पे देखिए फीड वाटर इनलेट है, ये फीड वाटर इनलेट होता है। फीड वाटर इनलेट का कार्य है कि बॉयलर सेल में पानी को हम आपके वाटर इनलेट के थ्रू ही भरने का कार्य करते हैं। इसके अलावा आपका ये देखिए डोर है। इसके अलावा आपका स्टॉपर है, ये फर्नेस है, ये ग्रेट है, ये एसपीट है। ये वाला जो हिस्सा है वो आपका एंटी प्राइमिंग पाइप होती हैं। एंटी प्राइमिंग पाइप का मीनिंग ये है, यहाँ पे एंटी प्राइमिंग पाइप स्टीम में उपस्थित मॉइस्चर को, नमी को दूर करने का कार्य करता है। ये वाला जो हिस्सा है आपका एंटी प्राइमिंग पाइप होती हैं। एंटी प्राइमिंग का कार्य वही बताया, जो भी आपकी स्टीम में जो नमी होती है उसी नमी को दूर, मॉइस्चर को दूर करने का कार्य करता है। ये वाला जो हिस्सा आपका सुपर हीटर है, सुपर हीटर का काम आप जानते हैं, बॉयलर सेल से निकली हुई स्टीम को आपके टरबाइन पर पड़ने से पूर्व हम स्टीम को पूरी तरह से ड्राई करने का कार्य करते हैं। मतलब आपका सैचुरेट जो भी आपकी गीली वाष्प होती है उसको पूरी तरह से ड्राई करके हम स्टीम पर प्रवाहित करते हैं, ठीक है। ये आपका पूरी तरह से इसका बेसिक फिगर है, आप इसको देख सकते हैं। ये आपके वही बताया वाटर पाइप है, ये आपका अपटेक तथा डाउन टेक हेडर है, इसका लाइक बैफल है, ठीक है। ये पूरी चीज़ कंस्ट्रक्शन थी। चलिए इसके वर्किंग के बारे में हम डिस्कस करते हैं, बैकऑक तथा विलकॉक बॉयलर के क्या वर्किंग है, क्या उसकी कार्यविधि है। आपके बुक में
आपके जो स्लेब बुक है एनर्जी कंजर्वेशन की बुक, तो उसमें आपका जो भी आपका बिल कॉक बॉयलर है, चाहे आपका कॉकरन बॉयलर हो, चाहे इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टर्लिंग बॉयलर, तो उसके बारे में एक ही में सब कुछ डिस्कस कर दिया है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप इसके जो भी मेन फीचर हैं उसको अलग करके लिखें, तथा इसके जो मेन कंपोनेंट हैं उसके बारे में भी अलग करके लिखें, तथा जो डायग्राम बनाते हुए इसके डायग्राम के बारे में डिस्कस करें, इसके साथ में बाद में उसकी वर्किंग को डिस्कस करें, ताकि आपको कंटेंट आपका ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएगा लिखने के लिए आपको, और आपकी जो भी लिखावट होगी वो भी अच्छी आएगी, जो कोई भी आसानी से उसे समझ सकता है। ठीक है, तो आइए इसके वर्किंग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसके वर्किंग के बारे में चलिए शुरू करें। शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें आपको बता दूं मैं। जो देखिए क्या है कि ये आपका ग्रेट है। ग्रेट पे हम जानते हैं, ग्रेट आपकी ग्रेट पे हम कोई भी सॉलिड फ्यूल होता है उसको रख के हम बर्न करते हैं। तो बर्न करने के पश्चात ये फर्नेस है, फर्नेस से जो भी उसकी फ्लू गैसेस होती हैं यहाँ से धीरे धीरे प्रवाहित होती हैं। तो क्या है कि जो ये पाइप में हम पानी का प्रवाह करते हैं, तथा जो भी फ्लू गैसेस होती हैं यहीं इन्हीं पाइपों से टकरा टकरा के इसमें जो भी पानी होती है पानी को गर्म करने का कार्य करता है। ठीक है, इसके अलावा इस तरह हम क्या करते हैं, कुछ बैफल लगाते देते हैं। बैफल क्या करता है कि जो भी फर्नेस से निकली हुई जो फ्लू गैसेस होती हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा टकराव उत्पन्न करता है, घुमावदार उत्पन्न करता है, जिससे जो भी आपका जो पाइप होता है, ठीक है, तो पाइप से आगे फ्लू गैसेस बार बार टकराती हैं, जिससे पाइप में उपस्थित जो वाटर होता है वो पूरी तरह से गर्म होकर स्टीम में धीरे धीरे कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। इस कन्वर्ट हुई जो कन्वर्ट हुए जो भी स्टीम होती है वो स्टीम को हम क्या करते हैं, बॉयलर सेल में इकट्ठा कर लेते हैं। इस प्रकार आपका ये इसकी वर्किंग चलती रहती है। ठीक है, ये आपका बैकॉक तथा विलकॉक बॉयलर के फ्यूचर जो इम्पोर्टेंट उसके टर्म थे। इसके अलावा उसके जो भी आपके विलकॉक बैकॉक या विलकॉक बॉयलर के कंपोनेंट थे जो इसमें यूज किए जाते हैं, इसके अलावा इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस किया, उसके कंस्ट्रक्शन क्या होती हैं, लास्ट में उसके वर्किंग के बारे में क्या करके डिस्कस किया। तो अभी तक के वीडियो में हमने बैकॉक तथा विलकॉक बॉयलर के बारे में क्या करके डिस्कस किया। तो इसे आप ध्यान से एक बार जरूर इसे फिगर को जरूर ध्यान में रखिएगा। कभी भी आपके एग्जाम में अगर कोई भी बॉयलर पूछता है तो उसका मेन है आपका फिगर, तो फिगर को एक दो बार जरूर बना के उसकी रिवाइज करिएगा, ताकि आपका जो भी फिगर हो जल्द आपका पूरी तरह से याद हो सके। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट आपका जो बॉयलर है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है, वो है आपका स्टर्लिंग बॉयलर। ये स्टर्लिंग बॉयलर भी आपका वाटर ट्यूब बॉयलर का एक उदाहरण है। ठीक है, तो इसमें भी स्टर्लिंग बॉयलर के बारे में हम इसके डिस्कस करेंगे। ये आपके फिगर में जो ये फिगर है वो आपका स्टर्लिंग बॉयलर का फिगर है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं इसमें तीन आपके ड्रम होते हैं तथा एक आपका मड ड्रम होता है। ठीक है, ये सब आप जितने भी आपके ड्रम होते हैं ये सब आपके इस स्टील के सहारे अब की लटके हुई अवस्था में होते हैं। जैसे देखिए स्टील के सहारे क्या होते हैं, ड्रमों को हम लटकाने का कार्य करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये सभी ड्रमें आपकी जो भी बेंडेड ट्यूब के सहारे आपस में जुड़े रहते हैं, तथा ड्रम तथा जो भी आपके ट्यूब होते हैं वो बॉयलर सेटिंग से पूर्णतः स्वतंत्र होती है। बॉयलर जो भी जो फायर ब्रिक की बनी होती है, ठीक है, केवल भट्टियों में उपयोग होती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट स्पेशल फीचर हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आपके बुक में बहुत कुछ दिया है लेकिन जो भी नोट्स में है वो इतनी जो नोट्स आपको हम दे रहे हैं उसी को आप ध्यान से देखिएगा, ये महत्वपूर्ण है, बाकी तो हो ही जाएगा आपका। तो इसमें देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला है स्टर्लिंग बॉयलर का जो फीचर है वो है जो भी इसकी ट्यूब होती है वो वाटर ट्यूब बॉयलर है,
इसका मीनिंग वही हुआ, जो इसमें ट्यूब है ट्यूब में पानी का प्रवाह होगा तथा उसके सराउंडिंग में फ्लू गैसेस प्रवाहित होंगे। जो वाटर में जो ट्यूब में वाटर प्रवाहित होती है फ्लू गैसेस के संपर्क में आकर वह धीरे धीरे स्ट्रीम में कन्वर्ट होती है। दूसरा आपका नेचुरल सर्कुलेशन है। नेचुरल सर्कुलेशन मतलब यह है जो पानी का प्रवाह होगा आपका नेचुरली होगा, किसी हम फीड पंप की सहायता से पानी का प्रवाह नहीं करेंगे। इसके अलावा दूसरा है जो उसका प्रेशर, ये आपका हाई आपका हाई प्रेशर के हाई प्रेशर नहीं है तो मीडियम प्रेशर के अंतर्गत आता है। 60 bar का आपका प्रेशर इसकी बॉयलर का होता है तथा इसकी कैपेसिटी आप स्टर्निंग बॉयलर की जो कैपेसिटी होती है वो लगभग आपका 50,000 kg प्रति हावर है। स्टीम जनरेशन की जो दर है 1 घंटे में आपका 50,000 kg है। इसके अलावा जो भी इसमें ट्यूब होती हैं वो सब आपकी बेंट ट्यूब होती हैं। अभी जब भी आपका स्टर्निंग बॉयलर शुरू किया था तब भी आपको बताया था जो इसमें ट्यूब होती हैं वो आपकी बेंट होती है। बेंट ट्यूब के सहारे ही हम क्या करते हैं तीनों जो आपके ड्रम होते हैं तीनों ड्रम को हम आपस में संयोजित या जुड़े रहने का कार्य करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके एक प्लस पॉइंट और भी है, आप लिख सकते हैं जैसे मल्टी ड्रम यूज। इसमें जो भी ड्रम होते हैं मल्टी यूज मतलब कई ड्रम आपके यूज किए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं एक बॉयलर ड्रम 1 है, बॉयलर ड्रम 2 है, बॉयलर ड्रम 3 है, नीचे वाला आपका मल्टी ड्रम है। तो तीन ड्रम हैं आपके, बॉयलर ड्रम 1 है, ड्रम 2 है, ड्रम 3 है, इसके अलावा एक आपका मल्टी ड्रम है। तो इसके कुछ स्टर्निंग बॉयलर के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट के बारे में हमें डिस्कस करना है तो ध्यान से सुनिए। ठीक है, लिखने के लिए ये पर्याप्त है लेकिन कुछ चीज़ और ध्यान सुन लीजिए ताकि अगर वो भी आपका याद रहेगा तो वो भी चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो इसमें इसके अंतर्गत देखिए क्या है कि इसके वर्क की पहले तो उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में देख लेते हैं। देखिए आपका तीन ड्रम है, ड्रम 1 है, ड्रम 2 है, ड्रम 3 है। ड्रम 1 के ऊपर एक आपका सेफ्टी वाल्व होता है। सेफ्टी वाल्व का काम आप जानते हैं कि माना कि तीन ड्रम है, तीनों ड्रम में किसी एक ड्रम में आपका स्टीम की या जल की मात्रा या ताप की मात्रा बढ़ जाती है तो हम सेफ्टी वाल्व को खोलकर तीनों ड्रम में सामान्य अवस्था में लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ताकि उसका ताप तथा दाब को हम उसे नियंत्रित कर सकें। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरा जो मिडिल वाला ड्रम है ये आपका ड्रम होता है, इसमें स्टीम वाटर ड्रम कहते हैं। इसमें आपका जो भी इसमें जो स्टीम तथा वाटर का आधा आधा भाग होता है, ऊपरी वाले हिस्से में आपकी स्टीम होती है तथा नीचे वाले हिस्से में आपका वाटर होता है। तो इसके ऊपर हम प्रेशर गेज लगाते हैं। जो मिडिल वाले जो आपका वाटर ड्रम सॉरी जो आप बॉयलर ड्रम 2 है उसमें प्रेशर की मात्रा को बराबर से कैलकुलेट करता रहता है। इसके अलावा ड्रम 3 है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि ड्रम चाहे 1 हो, 2 है, 3 है, इनको हम आपके बेंट ट्यूब की सहायता से आपस में संयोजित किए गए हैं। जो मिडिल ड्रम है आपका ड्रम 2 है उसमें एक आपका सुपर हीटर है, देख सकते हैं सुपर हीटर से होते हुए आपका स्टीम स्टॉप वाल्व है जहाँ पे ये है। इस तरह से क्या होता है कि जो भी इससे निकली हुई गीली वाष्प होती है सुपर हीटर की सहायता से वो आपके ड्राई होकर आपका स्टॉप वाल्व की सहायता से हम क्या कहते हैं टरबाइन की ब्लेड पर उसकी स्टीम को जो गुजारने का कार्य करते हैं। नीचे वाला आपका मड ड्रम होता है। मड ड्रम का आपका मीनिंग जानते हैं, मड ड्रम का मीनिंग होता है कि कचरा ड्रम। तो इसमें जो भी आपकी इसमें जल में जो उपस्थित जो भी आपके कचड़े होते हैं या अन्य अशुद्धियाँ होती है वो मड ड्रम में आके जाके इकट्ठा हो जाती है। मड ड्रम से हम क्या करते हैं उस जो भी अशुद्धियाँ होती हैं उनको निकाल कर आपका साफ करते रहते हैं, सफाई किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार के इसके अलावा नीचे वाले हिस्से में जो बर्न ड्रम है यहाँ पे ग्रेट है क्योंकि ये भी आपका एक्सटर्नली फायर होता है तो हम जो भी फायर का ग्रेट जो फर्नेस है वो बाहर होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेट है। ग्रेट पे हम क्या करते हैं ग्रेट पर हम फ्यूल को रख के बर्न किया जाता है
एयर को भी नीचे से प्रवाहित करते हैं आप जानते हैं, ताकि जो भी ईंधन का जो कंबसन हो वो आपका तेज हो सके, ठीक है। धीरे धीरे वायु को प्रवाहित किया जाता है। इस प्रकार से आपके स्टर्निंग बॉयलर के आपके कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन के बारे में हमने एक करके डिस्कस किया। इसके बाद वर्किंग के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए ये आपका ग्रेट है, ठीक है। हम ग्रेट पे क्या करते हैं, फ्यूल को रख के बर्न करते हैं। यहाँ से निकली हुई फ्यूल क्या होती है कि इसमें जो भी आपका ट्यूब होती हैं, ट्यूब में पानी प्रवाहित होती है। इस ट्यूब से जो आपकी फ्लू गैसेस होती हैं इस पे आज जाके टकराती हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, बीच में हम क्या करते हैं, यहीं पे आपके बफर लगा देते हैं। बफर लगाने का फ़ायदा यही आप जानते हैं कि बफर से ये हो जाता है कि जो भी आपका फ्लू गैसेस होती हैं बफर से बार बार टकरा कर वो पानी को ज़्यादा से ज़्यादा गर्म करने का कार्य करती हैं। इस तरह से जो आपका वाटर ड्रम फर्स्ट है, ड्रम वन है, यहाँ पे आपकी जो स्टीम होती है जो पूरी तरह से गर्म होके धीरे धीरे गर्म होके यहाँ पे इकट्ठी होती है। यहाँ से स्टीम निकल कर, ठीक है, स्टीम निकल के आपका टू में जाती है। टू में लगभग आपकी आधी तरह से आधी स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, आधा आपको वाटर में रहता है, लेकिन पुनः उसको ड्रम थ्री में ले जाते हैं। ड्रम थ्री में भी आपकी स्टीम पूरी तरह से लगभग आपकी कन्वर्ट होती है। स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद पुनः आपकी जो स्टीम बनी रहती है ऊपर की तरफ से, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर है, ऊपर के सारे फिर से ड्रम टू में आ जाता है। तो ड्रम टू में जो भी आपकी पूरी तरह से जो वाटर होता है स्टीम में कन्वर्ट हुआ रहता है, उस स्टीम को सुपर हीटर के थ्रू हम स्टोव वाल्व तक ले जाते हैं। ये जो सुपर हीटर होता है, सुपर हीटर का कार्य है कि जो भी स्टीम है, स्टीम में जो भी मॉइस्चर है या नमी है या गीली स्टीम है, वाष्प है, उसको क्या करता है, ड्राई स्टीम में कन्वर्ट करता है, ठीक है। वो क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी यहाँ से निकली हुई स्टीम होती है टर्बाइन की ब्लेड पे गुजारा जाता है। अगर जो भी स्टीम होती है, स्टीम अगर गीली होगी, ठीक है, तो जो भी आपका गीली स्टीम होगी तो जो भी उसमें बॉयलर के ब्लेड पे जो भी स्टीम जाएगी तो उसके नमी के कारण उसमें आपका उसकी जो भी जंग लग जाएगा, तो जिससे जो उसकी ब्लेड होगी जल्द से जल्द ख़राब हो जाएंगी टर्बाइन की ब्लेडें। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि ड्रम टू से निकली हुई स्टीम को सुपर हीटर के थ्रू गुजारते हैं। क्या करता है सुपर हीटर, वही काम कि इससे निकली हुई स्टीम में जो उपस्थित नमी मॉइस्चर होता है या उसमें जो भी गीली वाष्प होती है उसको ड्राई करके स्टीम वाल्व की सहायता, जो भी स्टॉप वाल्व होता है या स्टीम वाल्व होता है उसकी सहायता से टर्बाइन की ब्लेड पर गुजार दिया जाता है। इस प्रकार इसकी वर्किंग है। इसके अलावा जो भी चिमनी से निकली हुई जो भी आपके धुएं होते हैं, उन धुओं को हम क्या करते हैं, चिमनी की सहायता से वातावरण में छोड़ देने का कार्य करते हैं। ये आपके स्टर्लिंग बॉयलर के वर्किंग के बारे में डिस्कस था। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें आपको बता दूं, जो स्टर्लिंग बॉयलर का जो ताप होता है, टेम्परेचर होता है, वो लगभग 400 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये भी लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसका टेम्परेचर होता है वो आपका 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक उसको गर्म किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये तो आप इसकी कैपेसिटी समझ ही रहे हैं, जो इसकी कैपेसिटी है वो आपका वो एक घंटे में 50,000 किलोग्राम तक स्टीम जनरेट कर सकता है। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम आपको बता दें। इसके अलावा ये जो भी ये चीज़ें हैं आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो बॉयलर की जो माउंटिंग होती हैं वो को एक एक करके यहाँ पर यूज़ किया गया था, जैसे सेफ्टी वाल्व था, प्रेशर गेज था, स्टीम वाल्व था, एक एक करके वही आपको बताया था। जो ड्रम वन है, ड्रम वन का काम यही है बैकअप के तौर पे कि मान लिया ड्रम वन, ड्रम टू, ड्रम थ्री में किसी एक ड्रम में या प्रेशर की मात्रा या ताप की मात्रा अधिक हो गई तो हम क्या करते हैं, सेफ्टी वाल्व की सहायता से बढ़े हुए ताप, बढ़े हुए दाब की दाब को हम नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। इसके अलावा जो ड्रम टू है, ड्रम टू में ही आपका स्टीम ड्रम आपका जो वाटर होता है स्टीम में कन्वर्ट होता है। तो इसलिए हम जो भी ड्रम टू के ऊपर हम प्रेशर गेज लगाते हैं,
ताकि ड्रम टू में आपकी प्रेशर की मात्रा को निरंतर आपका वो कैलकुलेट करता रहे कितनी उसकी मात्रा है। इसके अलावा जो आपने देखा ड्रम थ्री में जो भी स्टीम बनी हुई स्टीम होती है ड्रम टू में आ जाती है, इसको सुपर हीटर की सहायता से हम कहते हैं स्टॉप वाल्व की सहायता से उसे हम टरबाइन की ब्लेड पर गुजार देते हैं। ठीक है, इस तरह से स्टर्लिंग बॉयलर के बारे में हमने एक एक करके डिस्कस किया। तो यही बार बार इससे पहले मतलब जो बैकऑक बिलकॉक बता रहा था तो उसमें भी बताया था, जो स्टर्लिंग बॉयलर हो चाहे आपका कोई और बॉयलर हो, आप जो भी आपके बुक में हैं उन बुकों को ना थोड़ा सा एक बार ज़रूर रीड कर लीजिए। लेकिन उससे अच्छा ये है कि जो हमने इस वीडियो में बता रहे हैं उन पॉइंट को एक एक करके नोट करके उसको लिख सकते हैं। जैसे जो भी कोई भी बॉयलर आप पढ़ रहे हैं तो बॉयलर के बारे में जो मेन उसके फीचर हैं उसको आप लिख लीजिए। इसके अलावा उसके कंपोनेंट के बारे में डिस्कस कर लीजिए, कंपोनेंट के बारे में लिख लीजिए। देखिए हमने यहाँ लिखा नहीं है, आप लिख सकते हैं कि इसमें क्या है कि तीन ड्रम होती हैं, इसमें आपका जैसे कंपोनेंट यूज जो इसमें है तो आप लिख सकते हैं कि आपका इसमें थ्री ड्रम होते हैं तथा एक आपका मड ड्रम होता है। ठीक है, इसके बाद आपका इसके अलावा इसमें जो भी आपका जैसे देख सकते हैं कि उसमें वाटर ट्यूब होती हैं, मतलब जो ट्यूब होती हैं वो आप बेंडेड ट्यूब का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसमें जो भी पानी का सर्कुलेशन होता है वो भी नेचुरली होता है। जथा इसके अलावा जो भी आपका ये आपका एक्सटर्नली फायर्ड आपका टाइप का बॉयलर है, तो इसके ये कुछ जो भी इसके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद उसके अलावा लास्ट में वर्किंग के बारे में आप डिस्कस करके इस तरह से इस पूरे स्टर्लिंग बॉयलर टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने बैकॉक या बिलकॉक बॉयलर के बारे में डिस्कस किया, उसके अलावा स्टर्लिंग बॉयलर के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।